ओम ह्रीं अरहं ळमूजिनाणं ळमो ळाणगुरुणं ळमो विद्यासायरं। मूकमाटी महाकाव्य। एक अंतरयात्री महासाधक श्रमण संघ के अद्वितीय शिल्पी और शब्दों के जादूगर शब्द योगी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महर्षिराज के दिव्य अनुपमेय और आत्मिक चिंतन से इस मूकमाटी महाकाव्य का सृजन हुआ है। मूकमाटी महाकाव्य की धारा में हमने शुरुआत के 28 पृष्ठ देखे। इन 28 पृष्ठों का एक दिन एक साथ रिवीजन होगा और उसमें आपको बतलाया जाएगा कि अभी तक यात्रा कहाँ तक पहुंची। आइए आज हम प्रत्येक शब्द का प्रत्येक पृष्ठ से अनुसार अर्थ को देखने का प्रयास करते देखते। पृष्ठ नंबर एक, सीमातीत। सीमा मतलब होता है लिमिट, मर्यादा, और सीमातीत अर्थात लिमिट से रहत मतलब अनंत, असीम। शून्य, शून्य मतलब है आकाश। नीलिमा, नीलिमा मतलब है नीला रंग। बिछाई मतलब फैला है। चौथी लाइन निरी, निरी मतलब है खरी, स्पष्ट, अच्छी। एकदम, एकदम सही बोलते ना आप ऐसे। नीरवता, रव मतलब होती है आवाज और नीरवता मतलब होता है साइलेंस। निशा, निशा मतलब होती है रात। अवशान, अवशान मतलब होता है समाप्त। मृत्यु, मरण। उषा, उषा मतलब है सुबह। प्रातः काल, मॉर्निंग। आन, आन शब्द के अनेक अर्थ होते हैं लेकिन यहां आन शब्द का प्रयोग किस लिए किया, तो यहां आन शब्द का प्रयोग आगमन के लिए किया, स्टार्टिंग। नेक्स्ट लाइन भानु, भानु मतलब सूर्य। निद्रा, निद्रा मतलब नींद। मार्दव, मार्दव मतलब सरल। मान से रहित। आंचल, आंचल मतलब होता है आंचल। गोदी। आगे प्राची, प्राची मतलब होती है पूर्व दिशा। आंचल मतलब दुपट्टा भी होता है, पल्लू, जो माँ का साड़ी का जो पल्लू होता है वह। प्राची, प्राची मतलब पूर्व दिशा। अधर, अधर मतलब ओठ। मंद मतलब थोड़ी सी। मधुरम मतलब मीठी। सिंदूरी, सिंदूरी मतलब लाल रंग जिसे मांग आदि के भरने में प्रयोग किया जाता। इस प्रकार पेज नंबर एक पर ये शब्द जो आचार्य महाराज ने प्रयोग किए उनके शब्दार्थ हमने आपके सामने रखे।
इसके अलावा भी यदि अन्य कोई शब्द है जो आपको लगता है कि ये कठिन हो रहा है तो आप उसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या हमें बता सकते हैं कि इस वाले शब्द को क्या कहते हैं या इसका अर्थ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्योंकि जितना स्पष्ट तरीके से हम उन्हें लिखेंगे और हम उन्हें समझेंगे वे शब्द उतने ही ज़्यादा हमारे लिए लाभकारी होते जाएंगे। क्योंकि जितने जितने शब्दों का हमें ज्ञान होगा मूक माटी पढ़ना उतना ही आसान होगा। ये हमको ध्यान में रखना है कि जितना जितना हमको शब्दों का ज्ञान होगा उतनी ही ज़्यादा हमको मूक माटी आसान हो जाएगी। प्रश्न नंबर 2, लज्जा की घूंघट में। घूंघट भी यहां पर जिसे हमने आंचल शब्द का प्रयोग किया था, पल्ला जिसे हम बोलते हैं, वही यहां पर घूंघट के रूप में प्रयोग हुआ है। फिर नेक्स्ट सब लाइन में शब्द है कुमुदनी। कुमुदनी का अर्थ होता है एक विशेष प्रकार का कमल या विशेष प्रकार का फूल जो चंद्रमा की चांदनी में खिलता है, उसे कहते हैं कुमुद। कुमुद बोलते हैं और उसी का स्त्रीवाची शब्द बनता है कुमुदनी। प्रभाकर, प्रभाकर मतलब है सूरज। प्रकृष्ट रूपेण वहा मतलब आभा प्रकाशम करोति इति प्रभाकरः, मतलब उत्कृष्ट रूप से जो प्रकाश को करने वाला है उसका नाम है भास्कर, प्रभाकर, सूरज। कर, कर मतलब होता है हाथ। छुवन मतलब छूना। पराग, पराग मतलब होता है जो फूल के बीच में कोमल कोमल सब्सटेंस रज होती है उसे कहते हैं पराग। सराग, सराग मतलब राग से युक्त। पंखुरी, पंखुरी मतलब होती है फूल का एक अंग, पंखुरी। कमलनी, कमलनी क्या है तो कमलनी है कमल की स्त्रीवाची जो सूर्य के प्रकाश में खिलती है। अवला, अवला मतलब होती है बल से रहत। वालाएं, बालाएं मतलब होती हैं स्त्रियां। तरला, तरला मतलब तरल शब्द का अर्थ होता है लिक्विड या बहने वाली चंचल स्वभाव वाली। भांति, भांति मतलब होता है तरह। सुदूर, सुदूर मतलब बहुत दूर। दिगंत, दिगंत मतलब होता है दिग मतलब होती है दिशाएं, अंत मतलब होता है अंत दिशाओं के अंत में। दिवाकर, दिवा मतलब होता है दिन और कर मतलब होता है करने वाला, दिवाकर। इस प्रकार अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3, संधि। संधि मतलब होता है जोड़ और यहां पे एक शब्द है संधिकाल। संधिकाल मतलब होता है संध्या बेला, जब दो समय आपस में मिलते हैं जैसे सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त। तो यहां चंद्रमा का अस्त और सूर्य का उदय उसे हम कहते हैं सुबह। फिर सूर्य का अस्त और चंद्र का उदय इसे हम कहते हैं शाम। तो जब दो समय आपस में मिलते हैं तब उसे कहते हैं संधि और उस काल को कहते हैं संधि काल, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। नेक्स्ट शब्द है छोर। छोर मतलब होता है अंत।
नेक्स्ट श्रेयसी, श्रेयसी, श्रेयसी मतलब कल्याणकारी। निशाकर, तो पहले हमने लिखा था निशा मतलब रात और निशाकर मतलब चंद्रमा। दूसरे शब्द है निशा, निशा मतलब रात। दिवाकर मतलब सूरज, दिवा मतलब दिन। अगला शब्द है दुर्भी, दुर्भी मतलब है दुर्विचार, दुर्गंध। सरिता, सरिता मतलब नदी, ब्रैकेट में लिख लें जो सरपट सरक रही है सागर की ओर, यह आचार्य महाराज ने परिभाषा बतलाई। पहली परिभाषा इस पर लिख सकते हैं आप परिभाषा वन, जो सरपट सरक रही है अपार सागर की ओर वह सरिता है। वार्ता, वार्ता मतलब बात। पथ, पथ मतलब रास्ता। सतपथ मतलब अच्छा रास्ता। पथिक मतलब यात्री, चलने वाला। मुड़कर मतलब पलटकर। तन मतलब शरीर। प्रश्न नंबर चार, संकोच, संकोच मतलब हिचकिचाहट। और संकोचशीला मतलब जो एकदम खुलकर अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर सकती। फिर लाजवती, लाजवती मतलब लज्जा से युक्त, जो शर्माती है, शर्माने वाली। लावण्य, लावण्य मतलब होता है सुंदर, और लावण्यवती मतलब सुंदरता से युक्त। टट, टट मीन्स किनारा। टट, टट मतलब किनारा। सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने। पतिता, पतिता मतलब गिरा हुआ। पातिता, पातिता मतलब गिराया हुआ। पतिता मतलब गिरा हुआ, पातिता मतलब गिराया हुआ, ये गिराई हुई, क्योंकि स्त्रीवाची शब्द तो हो गए दोनों, ठीक है, पतित और पातित। अधम, अधम मतलब होता है निकृष्ट। पद मतलब पैर और दलिता मतलब पैरों के द्वारा दबाई जाने वाली। पद दलिता, पैरों से रौंधी जाने वाली या पैरों से दबाई जाने वाली। मुक्ता, मुक्ता मतलब रहत। युक्ता, युक्ता मतलब सहत। तिरस्कृत, तिरस्कृत मतलब अनादर। बहिष्कार। त्यक्ता, त्यक्ता मतलब छोड़ी गई, छोड़ी गई। अव्यक्ता, अव्यक्ता मतलब जिसे कहा नहीं जा सकता, उसे कहते हैं अव्यक्ता। व्यक्त मतलब कहना। क्रम, क्रम मतलब होता है पंक्ति, पंक्ति लाइन। और क्रमहीना मतलब लाइन से रहित, रेपुटेशन से रहित, जिसकी कोई, ब्रैकेट में लिखें, जिसका कोई सम्मान या समाज में स्थान ना हो। नेक्स्ट, पराक्रम, पराक्रम मतलब होता है पुरुषार्थ, शक्ति। रीता, रीता मतलब रहत। विपरीता मतलब उल्टी। भाग्य रेखा मतलब भाग्य की लकीरें। यातनाएं मतलब दुख,
पीड़ाएं मतलब तकलीफ, वेदनाएं मतलब कष्ट, या फिर से छोड़ शब्द आया जिसको हमने पहले लिख लिया अंत, इसके बाद शब्द है आर्त, आर्त मतलब होता है दुख पीड़ा, घुली मतलब मिश्रित मिली हुई, तो आर्त मिली हुई घूंट, घूंट मतलब होता है एक अंजुली पानी या एक निवाला, जो अपन एक बार में अंदर करते हैं उसे कहते हैं घूंट, एक घूंट पानी ऐसा बोलते हैं ना ऐसे। चलिए अगला पेज नंबर 5, घुटन, घुटन मतलब तकलीफ पीड़ा। पर्याय, पर्याय मतलब अवस्था। इति, इति मतलब अंत। काया, काया मतलब शरीर। चुति, चुति मतलब छूटना या मरण। अनगिन, अनगिन मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता। नत मतलब होता है गिरना और अवनत मतलब होता है उठना। फिर शब्द है अपाय, अपाय मतलब होता है दुख। विलंब, विलंब मतलब देर। पद मतलब पैर। पथ मतलब रास्ता। पाथे मतलब नाश्ता। अनिमेश, अनिमेश, अनिमेश मतलब बिना पलक झपकाए। ताकती, ताकती मतलब घूरना। धरा, धरा मतलब धरती। दृष्टि, दृष्टि मतलब देखना। दृष्टि मतलब देखना, ब्रैकेट में लिखते हैं आंख। पेज नंबर 6, भंग, भंग मतलब टूटना। तरल, तरल मतलब लिक्विड, यहां पे अर्थ है आंसू, ब्रैकेट में लिखते हैं आंसू। यद्यपि तरल शब्द का अर्थ होता है बहना या द्रवणशीलता, यहां शब्द है आंसू। दर्शन, दर्शन मतलब देखना या दिखना। सरछलों, सरछलों मतलब कपट मायाचारी। विशाल मतलब बड़ा। भाल मतलब मस्तक। गुरु मतलब बड़ा। गंभीरता, दृढ़ता। उत्कर्षण मतलब बढ़ना। हर्ष मतलब हंसी। संवर्धन मतलब बढ़ना या बढ़ाना। दृग, दृग मतलब आंख या देखना। और दृग बिंदु, दृग बिंदु मतलब आंसू। अविरल, अविरल मतलब निरंतर लगातार। वर्षण मतलब बरसना या गिरना। विरह, विरह मतलब छूटना या खो जाना। रिक्तता मतलब रहत, तो यहां बन जाएगा विरह, विरह रिक्तता मतलब विरह से रहत।
अभाव किसी चीज का नहीं होना, अलगाव लगाव का नहीं होना, सनी सनी धीरे धीरे, अपकर्षण अपकर्षण होता है मतलब नीचे गिरना, नीचे गिरना, नियोग नियोग मतलब भाग्य या स्वभाव, भाग्य या स्वभाव, प्रयोग प्रयोग मतलब प्रैक्टिकल, जो कुछ किया गया, जो कुछ किया गया हो, सहज सहज मतलब स्वभाव से, अनायास अनायास मतलब अपने आप, पेज नंबर 7, अनन्य अनन्य मतलब जिसके जैसा दूसरा ना हो, संस्पर्शन संस्पर्शन मतलब अच्छी तरह छूना, धृति धृति मतलब धैर्य, धारणी मतलब धारण करने वाली, धृति धारणी मतलब धैर्य को धारण करने वाली, आकर्षित आकर्षित मतलब होता है एक प्रकार से किसी चीज को अपनी ओर खींचना, अपनी ओर खींचना, सम्मुख सामने, संबोधन 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 मतलब उपदेश, सत्ता सत्ता मतलब द्रव्य, शाश्वत जिसका कभी जन्म ना हुआ हो और जिसका कभी नाश नहीं होगा, प्रतिसत्ता प्रतिसत्ता मतलब पर्याय, प्रतिसत्ता मतलब पर्याय, उत्थान उत्थान मतलब वृद्धि बढ़ना, पतन मतलब गिरना, खसखस एक प्रकार का सूखा मेवा ड्राई फ्रूट, बड़ बड़ मतलब लिखें ब्रैकेट में बरगद 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 का पेड़, समुचित समुचित मतलब अच्छे, बपन बपन मतलब बोना, समयोचित सही समय पर, समयोचित सही समय पर, अवतार अवतार मतलब जन्म लेना, महत्ता महत्ता मतलब महिमा, भास्वत मतलब प्रकाशित प्रकाशित, रहस्य रहस्य मतलब राज, अनुपान अनुपान मतलब ग्रहण करना, ब्रैकेट में लिखते हैं पीना, नासा पेज नंबर 8, एक शब्द है आस्था, आस्था मतलब होता है विश्वास, यहां पर भी है सम्यक दर्शन, नासा नासा मतलब नाक, उजली उजली मतलब स्वच्छ साफ, धूमिल धूमिल मतलब कीचड़ या धूल मिश्रित, और दलदल मतलब होता है कीचड़, ढलती ढलती मतलब बदलती, लवड़ाकर लवड़ाकर लवड़ाकर, लवड़ मतलब होता है नमक और लवड़ाकर मतलब होता है समुद्र, खारा पानी खारा पानी।
विषधर, विषधर मतलब, विष मतलब होता है जहर, धर मतलब होता है धारण करने वाला, जहर को धारण करने वाला मतलब सर्प। विष मतलब जहर, हाला मतलब एक विशेष प्रकार का जहर। नेक्स्ट सागरीय, सागरीय मतलब समुद्र की। शुक्तिका, शुक्तिका मतलब सीप, सीप। इसका एक सुंदर सा फोटो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था, आप लोगों ने इसे देखा होगा। मुक्तिका, मुक्तिका मतलब मोती। झिलमिलाती मतलब चमकती है। जलीय सत्ता मतलब पानी की, पानी की, पानी का द्रव्य या पानी की बूंद। संगति मतलब अच्छा साथ। मति, मति मतलब बुद्धि। अग्रिम मतलब आने वाली। गति अर्थात आयु या अवस्था। भवों, भव मतलब जन्म। भवों, भवों मतलब जन्म, जन्म से। वास्ता, पेज नंबर 9। वास्ता, वास्ता मतलब होता है रिश्ता, संबंध। शास्ता, शास्ता मतलब होता है हितोपदेशी, हित का उपदेश देने वाला। साधक, साधक मतलब साधना करने वाला। सार्थक, सार्थक मतलब ठीक, अर्थ से सहत। स्वरातीत, स्वरातीत मतलब स्वर से रहत, आवाज से रहत, जिसमें कोई आवाज ना हो उसे कहते हैं स्वरातीत। सरगम मतलब होता है संगीत, सरगम एक प्रकार का संगीत की आवाज को सरगम कहते हैं। लघु मतलब छोटा, और लघुतम मतलब सबसे छोटा। अपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो। गुरु, गुरु मतलब बड़ा, और गुरुतम मतलब बहुत बड़ा या सबसे बड़ा। पूत, पूत मतलब होता है पवित्र, और पूत मतलब होता है पुत्र। बिंबित, बिंबित, बिंबित मतलब परछाई पड़ना। असत्य, असत्य मतलब झूठ। पहचान, पहचान मतलब जानना। अवधान, अवधान मतलब शुरुआत। पेज नंबर 10। पतन मतलब गिरना। आरती उतारना मतलब सम्मान करना। पर्याप्त, पर्याप्त मतलब काफी। आत्मसात, आत्मसात मतलब ग्रहण करना। अनुभूत, महसूस करना। सहर्ष, हर्ष मतलब होता है हंसी, और सहर्ष हास्य से युक्त। पर्वत, पर्वत मतलब पहाड़। तलहटी, तलहटी मतलब पर्वत के निचला हिस्सा, पर्वत का निचला हिस्सा। उत्तुंग, उत्तुंग मतलब ऊंचा। शिखर मतलब पहाड़ या पहाड़ की चोटी। दर्शन मतलब दिखना।
मूल मूल मतलब जड़, चूल चूल मतलब सबसे ऊंचा, ब्रैकेट में लिखें शिखर, दल दल मतलब समूह, यहां शब्द है फलों का दल मतलब फलों का समूह, दो लाइत मतलब फलित होना, फल देना। ठीक, इतने यहां 10 पृष्ठों के कठिन शब्दों को आपको लिखवाया। अब जब आप इन शब्दों को रखकर सामने किताब रखकर पढ़ेंगे तो एकदम विषय स्पष्ट होगा। हम सभी जितना अधिक हो अपने जीवन को स्वयं मूक माटी से जोड़ें, इसके बार बार प्रयोग करें, स्टेटस पर इसे चिन्हित करें, लोगों को जोड़ने के लिए पुरुषार्थ और प्रयास करें, और इस मार्ग को निरंतर कैसे वृद्धिगत हो इस पर विचार करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम ह्रीम नरम नमो जिनाणम, ओम ह्रीम नरम नमो ओ ही जिनाणम, ओम ह्रीम नरम नमो।